हेलो गाइस, राजू टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। आइए आज हम मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं डेल का 5470 5470। तो ये नॉट पावरिंग ऑन मदरबोर्ड है। देखिए इसका ये पार्ट कोड है, यहाँ से हम इसको यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से इसका पार्ट कोड है, ये 5470 मदरबोर्ड है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ये नॉट पावरिंग ऑन में था। ठीक है, देखिए हम कम समय में आपको केवल फॉल्ट समझाएंगे कि क्या इसमें ख़राब था एक्चुअल में। देखिए यहाँ पे ना ये देखिए, ये इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ये अब शॉर्ट था कैपेसिटर, और आपको बताता हूँ ये शॉर्ट कैसे था। देखिए हम मल्टीमीटर को बीप पे रखेंगे, बजर पे, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या है, देखिए अब देखिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए अभी मैं अपने दोस्त को कैमरा पकड़ाता हूँ, फोकस करो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे शॉर्ट था। ये देखिए आपको साउंड भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा कहाँ पे सेक्शन था। तो यहाँ पे ये शॉर्ट था, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अच्छा, हमने इसको यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर लग रहा था, दिख रहा है आपको थोड़ा स्पेस। तो ये यहाँ पे ये शॉर्ट था। तो अब हमारी शॉर्टिंग क्लियर होगी ना, तो ये कैपेसिटर देखिए, अब फिर दोबारा दिखता हूँ, बीप आपको आ रही होगी, ये शॉर्ट था। तो इससे हमारा नॉट पावरिंग ऑन में था सिस्टम। ठीक है, तो भाई अब क्या है, अब हम आपको इसको दिखा देते हैं। तो ऑन करके ये आपका ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, और ये देखिए आपका पावर एलईडी ग्लो कर रही है। ठीक है, और इसको हम इस तरह ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमारा क्या है, ये सीपीयू हीट हो रहा है। ठीक है, अब हम आपको इसमें डिस्प्ले दिखा देते हैं नंबर लॉक का। ठीक है, और हम इसमें यहाँ पर रैम लगाएंगे, और जो भी फॉल्ट है दोस्तों हम बिल्कुल क्लियरली बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल जो जेन्युइन फॉल्ट होगा वही आपको बताया जाएगा। और इसका सीमोस हम पहले कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आपका जो टाइम है वो थोड़ा मैं शॉर्टली करके बताता हूँ ना, इससे क्या होता है आपका समय बच जाएगा और जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लग नहीं पा रहा है इससे, कनेक्ट हो गया। और अब हम इसको पावर को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, और यूएसबी हमारा जो कीबोर्ड है ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते रहिए दोस्तों हमारा इसमें डिस्प्ले ऑन है वाला है, सीपीयू हमारा हीट हो रहा है। ठीक है, देखिए तो हमारा डिस्प्ले आने वाला है, क्योंकि हम रैम वगैरह सब कुछ लगा चुके हैं। ये हमारा सीपीयू हीट हो रहा है और डिस्प्ले भी हमारा एक्चुअल में क्या है कि यदि हम हमारे पास इसका पूरा सेटअप होता तो हम आपको वो दिखा सकते थे डिस्प्ले, बट केवल अब हम आपको कीबोर्ड में ही डिस्प्ले दिखा सकते हैं। तो अभी आप देखते रहिए, एक्चुअल में क्या है, ये 3-4 बार में ऑन होता है, इसका बायोस इसी तरह का है कॉन्फ़िगरेशन का। 2-3 बार में देखिए डिस्प्ले हमारे कीबोर्ड में आ चुकी है, आप देख सकते हैं बिलिंग करने में। ठीक है दोस्तों,
ये अभी देखिए, ये हमारी डिस्प्ले प्रॉपर कीबोर्ड में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको केवल जेन्युइन फॉल्ट ही सिखाएंगे। धन्यवाद।